बिग बॉस ओटीटी कश्मीरा शाह ने राकेश बापट को बताया समीता शेट्टी का जोरू का गुलाम, भड़क गई एक्टर की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा। बिग बॉस ओटीटी में समीता शेट्टी और राकेश बापट की नजदीकी अब जग जाहिर होने लगी है। दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर खास समय बिताते नजर आ रहे हैं। समीता शेट्टी और राकेश बापट के रिश्ते को लेकर बिग बॉस ओटीटी के बाहर भी चर्चा सुनने को मिलती है। हालांकि शो के बाहर और अंदर समीता शेट्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो राकेश बापट पर हर समय हावी रहती है, उनसे अपनी बात मनवाती रहती है। वहीं राकेश पर कुछ लोगों की राय है जैसे समीता शेट्टी उनको करने के लिए कहती है वो वैसा ही करते हैं। राकेश के ऐसे व्यवहार को देखते हुए हाल ही में कश्मीरा शाह ने उन्हें जोरू का गुलाम बता दिया। कश्मीरा की ये बात सुनकर राकेश की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा भड़क गई, उन्हें ऐसे कमेंट ना करने की सलाह दे डाली। बिग बॉस ओटीटी के घर में इस रविवार संडे का वार एपिसोड हुआ। इस एपिसोड में घर में मौजूद कंटेस्टेंट ने टास्क किए, साथ ही एक दूसरे के खिलाफ अपनी भड़ास भी निकाली। दरअसल संडे का वार एपिसोड में टास्क करते हुए कश्मीरा शाह ने राकेश बापट, समीता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल की एक तस्वीर को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इस टास्क में राकेश ने सभी कठिन सवालों के जवाब देने के लिए दिव्या का नाम लिया और समीता के साथ झगड़े से बचने के लिए दिव्या के चेहरे को 7 बार पानी में डुबाया। राकेश बापट के इस व्यवहार को देखते हुए कश्मीरा शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, बधाई हो राकेश बापट, आप फिर से जोरू का गुलाम बनने के रास्ते पर हैं। अभिनेत्री के इस ट्वीट पर रिद्धि डोगरा ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कश्मीरा शाह के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा, फिर से माफ कीजिए, कृपया ऐसे घटिया कमेंट ना करें। सोशल मीडिया पर कश्मीरा और रिद्धि डोगरा के ट्वीट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। दोनों अभिनेत्री और राकेश बापट के फैंस इन दोनों के ट्वीट्स पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि टीवी के स्टार कपल राकेश बापट और रिद्धि डोगरा ने साल 2011 में एक दूसरे से शादी की, लेकिन साल 2019 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।